हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम सब भी अच्छे हैं। तो गाइस, अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। उठ कर मैं घर साफ कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं घर में कुरान खानी करवाने वाली हूँ। अब्बा के नाम से कुरान खानी करवाऊँगी, अपने अब्बू का नाम से कुरान खानी कराऊँगी, क्योंकि इसी महीने में अब्बू, जनवरी महीने में अब्बू का इंतकाल हुआ था। 2017 में 19 जनवरी को अब्बू का इंतकाल हुआ था। तो आज मैं अपने घर में अब्बू के नाम से खाना दूंगी, गरीबों को खाना दूंगी और घर में कुरान खानी करवाऊंगी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर साफ कर रही हूँ। तो वो वाला रूम साफ हो गया है, ये भी रूम साफ हो गया, और रिहान के पापा गए हैं चिकन लाने के लिए। तो घर में मैं खाना बनाऊंगी और गरीब को खाना दूंगी। मैं क्या हो जाएगा, घर झाड़ू। तो गाइस, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह करे सबके सर पे उसके माँ बाप का हाथ हो, और जो बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, निकाल देते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग ऐसा मत कीजिए। अपने माँ बाप की कदर कीजिए, बुढ़ापे में उनका सेवा टहल कीजिए। जिनके माँ बाप नहीं होते, आप उनसे पूछिए। आज मेरे अब्बू नहीं हैं, हम लोग को इतना बुरा लगता है, अब्बू का इतना याद आता है। आप लोग अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनका सेवा कीजिए, उन्हें अपने सलामत कीजिए। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, अपने से अलग करके। ऐसा मत कीजिए आप लोग। अपने बूढ़े माँ बाप की दुआ लीजिए, माँ बाप के पैर के नीचे जन्नत होती है। आपसे जितना बन पड़ता है, उतना अपने माँ बाप के लिए कीजिए आप लोग, उतने अपने माँ बाप के लिए कीजिए। देखिए, हम लोग की अब्बू नहीं है, तो हम लोग को कितना अब्बू के लिए अखरता है, अब्बू की याद आती है। हम लोग को अम्मी है, तो देखिए अम्मी को हम लोग पराए घर की, हम लोग की शादी ब्याह हो गई, लेकिन हम लोग अम्मी की तकलीफ सुनते हैं, तो अम्मी को हम लोग अपने पास लेके आ जाते हैं, हम लोग अपने पास रखते हैं अम्मी को। मैं रखती हूँ, मेरी एक और बहन है, वो रखती है अम्मी को। हम लोग दोनों बहन अपने माँ को रखते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी माँ को तकलीफ में नहीं दे सकते। अभी फिर मैं अम्मी को बुलाऊँगी, बुलाने वाली हूँ, मैं बोली हूँ अम्मी को आने के लिए, लेकिन अम्मी अभी नहीं आ रही है, क्योंकि भाभी नहीं है, भाभी मायके गई है, तो भैया को दिक्कत हो जाएगा खाना पीना खाने में, इसीलिए तो अम्मी आएगी। थोड़ा ठंडा कम हो जाए तो अम्मी आएगी, क्योंकि मेरे घर में नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं है कि अम्मी को मैं दूंगी बिछा के, इसीलिए अम्मी नहीं आ रही है। तो इसीलिए आप सब अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप को अपने पास रखिए, अपने से दूर मत कीजिए आप लोग। अल्लाह आपको तौफीक अदा करे कि आप लोग अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने पास रखें। तो अभी मैं सुबह की चाय पी रही हूँ, मेरा बीपी का दवा ख़त्म हो गया है, और रिहान के पापा भूल गए हैं बीपी की दवा लाने। तो अल्लाह मालिक, मैं ऐसे ही चाय पी ले रही हूँ, अल्लाह हिफाजत करे मुझे। तो अभी आइए हमारे साथ गर्मा गर्म चाय पीजिए। तो देखिए, रिहान अभी भी सो रहा है, ये देखिए। अभी मैं रिहान को खींच के उठाऊँगी, वो उठ जाएगा। बच्चे लोगों को पहले मैं नाश्ता करा दूंगी पहले, उसके बाद मैं खाना खाना पकाऊंगी,
उसके बाद मैं चादर वादर लगाऊंगी, क्योंकि 1 बजे कुरान खानी के लिए हाफी साहब लोग आएंगे 1 बजे। तो जितने भाई बहन हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब दुआ कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा हम लोगों को, और दुआ कीजिए कि मेरे अब्बू की खता गुना अल्लाह पाक माफ़ करे, उन्हें जन्नत नसीब दे, उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए, आमीन। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो 1 लाइक 1 सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। मुझे 2-3 दिनों से बहुत टेंशन है, क्योंकि मैं अपने मोबाइल की पासवर्ड भूल गई हूँ, क्योंकि मुझे मोबाइल में ना ही चैनल खोलना आता, मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे कुछ सेट करना नहीं आता। मैं दूसरे से करवाती हूँ, या तो मेरे बाजी के लड़के से करवाती हूँ, या तो मेरे रेहान को जो टीचर पढ़ाते थे उनसे मैं ये चैनल बनवाई थी, वही सब किए थे, तो वो अब नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें जॉब मिल गया, वो नहीं पढ़ाते हैं, तो उनका घर भी यहाँ नहीं है, दूर पे है। तो मेरा यही टेंशन हो रहा है कि अगर मेरा मोबाइल भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, किसी भी वक्त मेरा मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। बस यही कि अगर बंद हो गया मेरा तो सारा मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ सोच के मैं कर रही हूँ, मैं कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ। और एक चीज़ गाइज, आप लोग से मैं खुद से वीडियो निकाल के बनाने नहीं सकती हूँ, इसलिए किसी और की जो वीडियो रहती है मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। मुझे खुद से वो निकालना नहीं आता है, मैं उतना मोबाइल चलाने नहीं जानती हूँ। तो बस यही सब आप सबसे शेयर करना था मुझे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मोबाइल खोल के वो सब सीखने के लिए, लेकिन बच्चे लोग भी, मेरी फातिमा भी बहुत परेशान करती है, देखने नहीं देती है। तो मैं सोच रही हूँ आज खाना बनाऊँ खुश का, और मुर्गी गोश्त बनाऊँगी, वही बना के मैं अब्बा का नाम से गरीबों को खाना दे दूँगी मैं। तो मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपने बाल्टी में पानी डालूंगी, कितना पानी चाहिए। गाइस आप लोग सोचते होंगे ये तो कहती है कि इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश बोली, तो मैं ये सारे इंग्लिश जो है मैं टीवी में पिक्चर्स में ये सब में देख देख कर मैं सीखी, और ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल जाहिल हूँ, मैं पढ़ी हूँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ और थोड़ी बहुत इंग्लिश चला लेती हूँ, ज़्यादा नहीं चला पाती बस थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और मैं अपनी फातिमा को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मेरी फातिमा पढ़े, मेरा सपना है कि मेरी फातिमा को मैं ये कौन सा है स्कूल है अभी याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा मैं आप सबसे शेयर करूंगी। मेरा सपना है मेरी फातिमा को उसमें पढ़ाने की। तो हम गरम मसाला भी ऊपर से गुड़ा गरम मसाला भी दे दी और इसे मैं ढक दूंगी। अभी आप लोग बने रहिए। तो ये नाश्ता है जो हाफिज साहब आए हैं उन लोगों के लिए नाश्ता है, ये देखिए नाश्ता। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो 1 लाइक 1 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।